गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे सब्जेक्ट विकास मैथमेटिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 1। बच्चों, हम लास्ट वीडियो में सीखे थे चैप्टर नंबर 11, नंबर्स 51 to 100। आज हम नया चैप्टर सीखेंगे। चलो, चैप्टर नंबर 12, मनी। मनी यानी पैसा, रुपया। देखो बच्चों, आप सब हर रोज रुपये पैसे खर्च भी करते होंगे और आपके हाथ में भी आपने इस तरह से सिक्के और अलग अलग नोट्स देखे होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें यही स्टडी करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करें हम। ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड, यानी देखना है और समझना है। देखो, यहाँ पे आपकी बुक में दो कॉइन्स दिए हैं। एक कॉइन्स जो है ये 1 रुपये का, यानी कि 1 रुपीज का कॉइन्स है। उसकी एक तरफ इस तरह से प्रिंट होती है, दूसरी तरफ हमारा जो नेशनल सिंबल है उसकी प्रिंट होती है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, 2 रुपया 2 लिखा हुआ है ना, यानी इसे बोलते हैं 2 रुपीज। तो 2 रुपीज का ये कॉइन है। ओके, और उसका जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें इस तरह से नेशनल सिंबल ड्रॉ किया हुआ होता है ना। फिर यहाँ पे देखो, ये कितने लिखे है, 5। चलो, ये 5 रुपीज है। देखो, यहाँ पे 5 लिखा है, तो इसे बोलते हैं 5 रुपीज का कॉइन। और उसकी जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें इस तरह से सिंबल ड्रॉ किया होता है, यानी कि ये कॉइन हमारे भारत का है, उसकी ये निशानी है। चलो, अब यहाँ पे देखो, ये 10 रुपीज का कॉइन है। उसमें ये जो बीच वाला हिस्सा है वो ऐसे स्टील जैसा दिखाई देता है और पीछे ये कॉपर जैसा होता है ना। फिर उसके पीछे का हिस्सा भी यही नेशनल सिंबल से ड्रॉ किया हुआ होता है। चलो, तो ऐसे कॉइन में आपको यहाँ पे बताती हूँ। चलो बच्चों, देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉइन्स थे तो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये 1 लिखा हुआ है तो ये 1 रुपीज का कॉइन है। फिर यहाँ पे देखो 2 लिखा है ना, तो ये 2 रुपीज का कॉइन है, यानी 2 रुपीज। फिर यहाँ पे देखो 5 लिखा हुआ है, तो ये कॉइन है वो 5 रुपीज का कॉइन है। इन तीनों कॉइन्स के पीछे की जो प्रिंट होती है वो इस तरह से नेशनल सिंबल होता है। तो आपको समझ में आया। अब हम नोट के बारे में देखेंगे कि नोट कैसी होती है हमारे रुपीस की। देखो, इसे हम इंडियन करेंसी भी बोलते हैं, यानी कि हमारे भारतीय जो रुपया होता है वो। तो उसकी ऐसे कॉइन्स भी हमने देखे। अब यहाँ पे नोट, यानी कि कागज से बनी हुई नोट होती है। तो देखो, ये 1 रुपये की नोट है ना। 1 रुपया लिखा हुआ है, देखो 1 रुपया इस तरह से लिखा हुआ होता है और उस पे भारत सरकार की जो प्रिंट होती है वो लगाई होती है। कुछ कोड नंबर भी ऐसे दिए होते हैं। तो इस तरह से ये 1 रुपये की नोट है। उसके पीछे का हिस्सा किस तरह से होता है वो देखें हम। और जो नोट के पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें यहाँ पे अलग अलग भाषा में 1 रुपया वही लिखा हुआ होता है और उसकी एक प्रिंट लगाई होती है। फिर यहाँ पे देखो, आपको कुछ चित्र दिखाई देता है, तो वो चित्र हमारे जो भारत के ऐतिहासिक चीज़ें होती है या कुछ ऐसे मूमेंट्स होते हैं तो उसका निशान होता है। उस तरह से हम आगे की नोट देखें। देखो, ये 2 रुपीज, जैसे हमने कॉइन देखा था ना 2 रुपीज का, इसी तरह से ये भारतीय नोट है, यानी कि ये कागज से बना हुआ रुपया होता है। तो उस पर भारतीय रिजर्व बैंक का सिंबल लगा हुआ होता है। फिर यहाँ पे 2 रुपीज लिखा है और उसके पीछे का जो हिस्सा है वो हम देखें। नोट के पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें इस तरह से 2 रुपीज लिखा हुआ होता है। और जैसे हम मंगलयान, चंद्रयान, उसका कोई भी पिक्चर है तो इस तरह से यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया है। तो इस तरह से हम आगे की एक नोट देखें। चलो, यहाँ पे देखो, देखो कितना लिखा है, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है, 5। अब आपको भी पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जो जितना रुपया लिखा होगा वो रुपया उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये 5 रुपीज की नोट है। जैसे देखो, यहाँ पे 5 लिखा है कॉर्नर में, फिर यहाँ बीचों बीच में यहाँ पे 5 लिखा है, फिर महात्मा गांधी जी की तस्वीर दी है। तो ये जो रुपीज है वो 5 रुपीज का नोट है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। फिर उसके पीछे वाले हिस्से में किस तरह से होता है वो हम देखते हैं आगे। देखो बच्चों, यहाँ पे नंबर 5 रुपीज भी लिखा है, फिर हिंदी में 5 रुपये
इस तरह से लिखा हुआ है, और किसान जो खेती कर रहा है उसका एक पिक्चर है। फिर यहाँ पे 5 रुपीज इंग्लिश में स्पेलिंग के साथ दिया है। तो इस तरह से ये 5 रुपये की नोट है वो हमने देखी। अब आगे देखें, देखो यहाँ पे 10 रुपीज लिखा है ना, देखो ये रुपीज का निशान है और ये जो 1010 लिखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कितने रुपए की नोट है, 10 रुपीज की। ओके, और यहाँ पे महात्मा गांधी जी का एक फोटो ड्रॉ किया हुआ है। फिर यहाँ पे हम पीछे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, यहाँ महात्मा जो गांधी जी है उनका जो पिक्चर है वो हमारी जैसे 5 रुपीज की नोट से चालू होकर सब हर नोट में होता है, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता है इसलिए। फिर हम आगे देखेंगे उसके पीछे का हिस्सा कैसा होता है। देखो ये 10 रुपीज जो है उसके पीछे का हिस्सा है वो है, ये नोट अभी अभी जो नई सरकार ने निकाली है वो नोट है, तो यहाँ पे 10 रुपीज है। फिर ये जो आपको पिक्चर दिखाई देता है वो सूर्य मंदिर कोणार्क, उसका पिक्चर यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। फिर ये 10 रुपीज जो है उसके ऊपर स्वच्छ भारत का जो मिशन है हमारा वो भी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, और हिंदी में 10 रुपये इस तरह से लिखा है। तो आपको समझ में आया अब 10 रुपीज की नोट कैसे होगी। तो आप लोग आपके रोजिंदे जीवन में भी कभी कभी इस्तेमाल तो करते होंगे, तो आपको समझ में आएगा अब 10 रुपीज लिखा होगा तो 10 लिखा होगा। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो 2 और 0 हम नंबर्स तो सीखे हैं, तो आपको पता होगा 2020 होगा, है ना, तो यानी कि 20 रुपये की नोट। ये जो भारत सरकार है ये 20 रुपये की नोट की प्रिंट इस तरह से की हुई है। उसका कलर भी देखो बच्चों, आपको कलर भी साथ में देखना है, तो उसका कलर थोड़ा लाइट रेड यानी कि नई ऑरेंज कलर नहीं होगा, नहीं पिंक, इस तरह से अलग एक नोट का कलर है, तो वो देखेंगे हम। फिर आगे देखो उसकी पीछे वाली प्रिंट कैसे होती है। चलो अब यहाँ पे देखो जो पीछे का हिस्सा है उसमें नेचुरल जो हमारा पिक्चर होता है वो ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पे 2020 लिखा है। फिर यहाँ पे यहाँ नीचे हिंदी में 20 रुपये इस तरह से, और यहाँ साइड में 20 रुपीज इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो आपको समझ में आया 20 रुपीज की नोट किस तरह से होती है। मैं आपको उसका एक जो मेरे पास है नोट वो मैं आपको बताती हूँ। ये रही, देखो ये 20 रुपये की नोट है, उसके आगे का हिस्सा इस तरह से 20 रुपया इस तरह से लिखा है, और जो पीछे वाला हिस्सा है वो हम देखेंगे। देखो सेम नोट है ना, तो आपको समझ में आ गया। अब आपने ये नोट आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये 20 रुपीज है। ओके, आगे देखें। चलो यहाँ पे देखो ये रहा, यहाँ पे क्या लिखा है, ये नोट्स तो आपको दिखाई दे रही है उस पर 50, तो 50 कितने होते हैं हमने अभी सीखा ना, 5050, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये नोट 50 रुपीज की है। देखो यहाँ पे हिंदी में शब्द में लिखा है 50 रुपये, फिर यहाँ पे जो अंक है हिंदी में उसमें लिखा है 50 रुपया। फिर महात्मा गांधी जी की मैंने फोटो बोला ना आपको, हमारी जो भारत की करेंसी होती है उसमें सब में महात्मा गांधी जी का फोटो रहेगा। फिर उसके पीछे का जो हिस्सा है वो कैसा होता है वो मैं आपको दिखाऊं। चलो यहाँ पे देखो ये जो 50 रुपये की नोट यानी कि 50 रुपीज की जो नोट है उस पे पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे हमारे ऐतिहासिक जो प्रचलित चित्र होते हैं यानी कि प्रचलित जो स्थान होते हैं उसके पिक्चर्स अभी नई जो नोट निकली है उसमें दिए हैं। तो ये जो पिक्चर है वो हम्पी का यानी कि जो हमारा हम्पी का मंदिर है उसका पिक्चर है। फिर यहाँ पे इंग्लिश में 50 रुपीज इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ गया 50 रुपीज की नोट इस तरह से लाइट ग्रीन कलर की होती है। चलो बच्चों यहाँ पे देखो 100 जो हम अभी सीखे नंबर, तो 100 का ये 100 रुपीज का नोट है। फिर यहाँ पे देखो 100 रुपये यानी ये जो 100 रुपये की नोट है वो हिंदी में शब्द में लिखा है। फिर यहाँ पे देखो हिंदी में अंक में लिखा हुआ है 100 रुपये। ओके, और महात्मा गांधी जी का पिक्चर है। अब उसके पीछे वाला हिस्सा है वो हम देखेंगे। चलो देखो यहाँ पे
मैंने बोला ना आपको ऐतिहासिक हमारे जो स्थान है उसके पिक्चर हमारी नई नोट में दिए हैं। तो ये जो स्थान है वो रानी की वाव जो हमारे गुजरात के पाटन शहर में है, तो वो प्रचलित है, वो 100 रुपीज की नोट पे रहेगी। देखो 100 इस तरह से इंग्लिश में स्पेलिंग के साथ लिखा है, फिर यहाँ पे 100 रुपीज इस तरह से अंक में लिखा है। तो ये रही 100 रुपीज की नोट। उसका कलर लाइट जैसे हम क्या बोलते हैं लवेंडर कलर, तो उसी तरह से लाइट लवेंडर कलर का होता है। चलो यहाँ पे देखो 200 200। ओके देखो हम ये 200 तक नंबर पढ़े नहीं है, पर देखो बच्चों 1 का 100 यानी 100 तो 2 लिखा है और पीछे 2 जीरो लगाए हैं, तो इसे हम बोलते हैं 200। ओके ये 200 का नोट है जो अभी अभी निकला है, पहले के जमाने में ये नोट नहीं था। वो हिंदी में लिखा है 200 रुपये, तो यानी कि 200 रुपीज की नोट और ये 200 की एक नोट, उस तरह से होगा। फिर यहाँ पे लिखा है 200 यानी 200 रुपये। चलो उसके पीछे का हिस्सा किस तरह से होता है वो हम देखें। चलो यहाँ पे देखो 200 यानी 200 रुपीज, फिर यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है 200 रुपीज, और ये जो ऐतिहासिक पिक्चर दिखाई देता है वो पिक्चर सांची के स्तूप का है, यानी वो हमारे जो ऐतिहासिक सारे स्थान है उसमें से एक है। तो इसका कलर होता है लाइट ऑरेंज कलर। ओके तो आपको समझ में आया अब 200 का जो नोट है वो कैसा होगा, यहाँ पे लिखा होता है। तो जो भी नोट आप लो हाथ में तो फिर आपको देखना है कि यहाँ पे कितने रुपए लिखे हैं, जो आगे नंबर लिखे होंगे वो नंबर को पीछे दो जीरो लगा होगा तो 100 रुपीज होंगे, और एक जीरो लगा होगा तो हम 10 रुपीज के हिसाब से जो करते हैं उस तरह से होगा। देखो बच्चों हम 100 तक तो पढ़े हैं, पर देखो ये 1 2 3, जब भी नंबर के पीछे 3 जीरो लगता है तो उसे हम बोलते हैं 1000। ओके और यहाँ पे 2 लिखा है तो हम इसे बोलेंगे 2000 की नोट। ये जो हमारी करेंसी है उसमें बड़ी नोट मानी जाती है। यहाँ पे 2000 रुपये, 1000 मीनिंग 1000, तो 2000 रुपये। यहाँ पे हिंदी में लिखा है 2 और फिर उसके पीछे 3 जीरो लगाए हैं, यानी ये 2000 रुपये की नोट है। उसके पीछे वाला हिस्सा मैं आपको दिखाऊं। चलो उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसमें मंगलयान की तस्वीर है। ओके और यहाँ पे 2000 रुपीज इस तरह से इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 और फिर 3 जीरो लगाया हुआ है, यानी 2000 रुपये। तो इस तरह से हमारी सारी करेंसी मैंने आपको यहाँ आपकी जो बुक है उसमें प्रिंट दी है उसमें बताई, तो आपको समझ में आया होगा। देखो बच्चों आप छोटे हो पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो भारत की करेंसी है उसमें सब में आपकी जो नोट होगी, ये जो कागज की बनी हुई नोट है ना उसमें इस तरह से आपको दिखाई देता है रेडियम जैसा, वो पट्टी चांदी की पट्टी लगी हुई होती है और उसमें भारत सरकार इस तरह से लिखा हुआ होता है, यानी कि ये नोट असली है। और जो डुप्लीकेट नोट होती है उसमें ऐसी पट्टी लगी हुई नहीं होती है, तो आपको समझ में आएगा कि ये नोट असली है या डुप्लीकेट है।